उत्तर प्रदेश के टेक्निकल कॉलेज में 21 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। इस एंट्रेंस एग्जाम को पूरी तरह से ऑफलाइन रखा गया है। यूपी से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 20% का रिजर्वेशन रहेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए 15 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकेंगे और रिजल्ट अंतिम मई तक घोषित होगा। सत्र 19-20 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी करा रही है, जो राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी हमें दी है। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने प्रदेश के जितने भी जो अच्छे ज़िले हैं, जहां पर हम छोटे छोटे जगहों पर भी ये अपनी सूचनाएं पहुंचा सकें, उसके लिए उसी प्रयास के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसको बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। और जगह की अपेक्षा ये विशेषता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ इस प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें। और इस बार कुछ नए फीचर्स इस प्रवेश परीक्षा में हम लोगों ने शामिल किए हैं, जैसे 20% सीटों का आरक्षण किया है ऑल इंडिया लेवल पर। उसके अलावा मास्टर्स के कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे MTech है, MDes है, MArch है, MPharm है, उसका भी प्रवेश परीक्षा इस बार हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं।